एक्सरसाइज 13.3 पार्ट टू क्लास 12 सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन जल्दी करेंगे इसे। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर्स एंड 6000 ट्रक ड्राइवर। ठीक है, इंश्योरेंस कर रही है इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस ही करेगी। तो कह रहे हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट आर दिस रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या हुआ, सुनो ध्यान से जरा। एक कंपनी है, उसके बाद 2000 स्कूटर ड्राइवर्स का, 4000 कार ड्राइवर्स का, 6000 ट्रक ड्राइवर्स का इंश्योरेंस किया उसने। लेकिन अब एक्सीडेंट भी होते हैं, नॉर्मल बात है। तो कह रहे हैं कि भैया स्कूटर से होने की प्रोबेबिलिटी है 0.10 और उससे इतनी है। अब एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्कूटर ड्राइवर हो। तो सबसे पहले सुनो, सबसे पहले हम इवेंट कैसे बनाएंगे इस पर जरा फोकस करते हैं, क्योंकि ये बच्चों को बड़ा डाउट होता है सर कैसे स्टार्ट करें। तो सुनिए एक बहुत ही देसी तरीका है, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है उसी इवेंट बनाने स्टार्ट कर दो। किसकी पूछी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर। क्या है स्कूटर ड्राइवर, तो तीन स्कूटर भी हो सकता है, कार भी हो सकता है, ट्रक भी हो सकता है। तो ठीक है, तो ही इज अ स्कूटर ड्राइवर। इन्हीं से हम लोग पता कर लें कैसे इवेंट बनते हैं, स्कूटर ड्राइवर। और एक कौन सा है, कार ड्राइवर। फिर एक कौन सा है, ट्रक ड्राइवर, TRUCK। अब इनकी प्रोबेबिलिटी सुनो क्या होगी। अच्छा, स्कूटर ड्राइवर कितने, 2000, और टोटल कितने, लेकिन टोटल है 6, 4, 10, 2, 12। यस और नो, तो कितना आगे, 1/6 आगे। ऐसे ही PE2 भैया हमारे पास, कार ड्राइवर कितने, 4, तो ये 4/12 हो गया, मतलब 1/3 डायरेक्ट करेंगे। PE3 ये कितने, 6/12, मतलब 1/2। क्लियर है ना। अच्छा, इस तरीके से है। अब देखो हमसे बोला क्या गया क्वेश्चन में, गिवन कंडीशन क्या है, वन ऑफ इंश्योरेंस पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट। मतलब क्या है कि भैया एक्सीडेंट हो गया है, मीट विद एन एक्सीडेंट। अब सुनो किसकी प्रोबेबिलिटी पूछिए, सुनो एक्सीडेंट हो गया ऐसा पता है पहले से, कह रहे हैं कि वो कौन सा ड्राइवर हो, स्कूटर ड्राइवर, मतलब इवन पूछा गया, यस और नो। बस लिखते जाओ दबा के यार, फिर तो कुछ है ही नहीं। बस इसी तरीके से एक बार इवन का लेके, E2 का, E3 का, जितने भी इवेंट्स हैं सबको हम लोग कर देंगे। E3 into PAY E3 गिवन कंडीशन थी, इसीलिए बेस्ट रहूंगा क्वेश्चन। अब सुनो जरा, PE1 कितना भी है, 1/6। अब सुनो E1 का मीनिंग क्या, कि पहले से ही पता है कि वो स्कूटर ड्राइवर, पहले से ही पता है ना, और फिर उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो स्कूटर ड्राइवर है और एक्सीडेंट हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.01। ठीक है, इसको भी ऐसे लिखेंगे। E2 का मतलब कि वो कौन सा है, कार ड्राइवर, इसकी प्रोबेबिलिटी, अब पता लग गया है कि वो कार ड्राइवर है फिर उसका एक्सीडेंट हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 0.03। ठीक है, फिर अगले वाले 1/2 चेप दो यार, ऐसे ही 0.50। डू योर सेल्फ कैलकुलेशन, मैं नहीं करूँगा। यस, ये बताओ सर ये डाउट हुआ, किसी बच्चे इवेंट बनाने में कोई डाउट हो रहा है, जो पूछा जाता है उसी से हम लोग इवेंट बनाना स्टार्ट करते हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट ऐसा होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं यार, है क्या कह रहे हैं इसमें। कह रहे हैं अ फैक्ट्री हैज टू मशीन, यार ऐसा एग्जांपल हमने किया है, एक अ फैक्ट्री है टू मशीन, डायग्राम के साथ करेंगे अच्छा समझ आएगा। ये रे भैया एक मशीन ए और ये एक मशीन बी। अब ये मशीन है तो पक्की बात है कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि मशीन ए प्रोड्यूस 60% ऑफ द आइटम ऑफ द आउटपुट। जितना भी इस फैक्ट्री में आइटम बनता है 60% कौन बनाता है, मशीन ए बनाती। कितना बनाती है, तो पक्की बात है ये 40% बनाती होगी। ठीक है, अब यार जब कोई मशीन कुछ कुछ बनाती है तो हो सकता है उससे कुछ डिफेक्टिव पीस भी बन जाते हो, तो 2% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए एंड 1% प्रोड्यूस बाय मशीन बी। ये 2% डिफेक्टिव बना देती है और ये 1% डिफेक्टिव बना देती है। चलिए अच्छा, ऑल द आइटम आर पिट इनटू द वन स्टॉक पाइल, मतलब होता है भंडार, स्टॉक पाइल, पाइल मीन्स होता है एक के ऊपर एक करते हैं ना स्टॉक, तो भंडार में ये सारे हमने डाल दिए हैं। देन वन आइटम इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम दिस, एक आइटम मैंने सिलेक्ट किया और वो डिफेक्टिव है। मतलब क्या है डिफेक्टिव, आइटम इज डिफेक्टिव। तो कह रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। अब इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए तो तुरंत बना लो E1 E2 कि आइटम प्रोड्यूस्ड बाय
मशीन ए और आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन बी, बना ली इवेंट, जो पूछा तो उसी से हम लोगों ने इवेंट बना लिए। तो अब हमको पहले से ही पता है कि भैया डिफेक्टिव आइटम निकल के आया है, फिर वो मशीन किसने बनाया हो, बी ने, बी बोले तो ई टू, मतलब ये पूछा हमसे, यस और नो, क्लियर है? तो बस यार अब तो कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल है बेस थ्योरम, बहुत सिंपल, अगर देसी तरीके से समझोगे, कंसेप्ट क्लियर करते चलोगे तो इससे सिंपल कोई टॉपिक नहीं, और प्रोबेबिलिटी वैसे ही बहुत सिंपल है। चलिए अब इसको देखते, पीई टू भैया कितना है, पीई टू ई टू ई टू बोले 40%, 40% में 0.4 हो गया, ठीक है। अब पता लग गया है कि मशीन बी है, फिर उसने डिफेक्टिव बनाया, कितना बनाती है 1%, 1% में 0.01 आई थिंक, 2% नहीं, बी का तो बना यार, ठीक है डियर, प्लस ई टू कितना 60%, और हमको पता लगा है कि मशीन ए है, फिर वो डिफेक्टिव बनाएगी 0.2%, तो 0.02, क्लियर है? अब इसी के साथ साथ नाइन्थ क्वेश्चन भी बताते हैं, एक ही जैसे क्वेश्चन है, कोई लॉजिक ज्यादा है नहीं। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं टू ग्रुप, भैया दो ग्रुप है, बना लिया कुछ रफली समझने के लिए, भैया ये रहा ग्रुप वन, ये रहा ग्रुप टू, ठीक है भैया, ग्रुप वन एंड ग्रुप टू, ठीक है, टू ग्रुप आर कंपीटिंग फॉर द पोजिशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कॉरपोरेशन, दो ग्रुप है, इनमें तो कोई एक सिलेक्ट होगा जो कि डायरेक्टर बनेगा किसी बोर्ड का, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट एंड द सेकंड ग्रुप विल विन आर 0.0, मतलब इसके जो जीतने की प्रोबेबिलिटी वो कितनी है 0.6, और अंडरस्टूड इसके जीतने की 0.4 ही होगी, ना भी गिवन होता तो भी यही होता, वन से माइनस करते थे। अच्छा अब सुनो, इफ द फर्स्ट ग्रुप विंस, कह रहे अगर भैया फर्स्ट ग्रुप जीतता, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज 0.7, मतलब क्या होगा सुनो, जैसे होता है ना, ये आपको मैं जरा रियल लाइफ से कनेक्ट करता हूँ, जैसे 19 में एक बीजेपी खड़ी थी और भैया कांग्रेस खड़ी थी, ठीक है, फिर वो लोग बताते हैं कि अगर हम जीते तो हम ये चीज़ लेके आएंगे, या फिर वो लोग कहते हैं हम जीते तो हम ये चीज़ लेके आएंगे ना, वो सब अपना इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है जी, क्लियर है? सेम यहाँ पर है, अब बोर्ड वाले लोग कह रहे हैं कि भैया अगर हमारा वाला ग्रुप जीत गया तो 0.7 प्रोबेबिलिटी है कि हम कोई नई स्कीम लेकर आएंगे, कुछ भी नहीं है, बताई नहीं है, बट ये पक्की बात है कि हम कोई भी नई स्कीम लेकर आएंगे। ग्रुप टू बोल रहा है कि भैया अगर हम जीते तो हम 0.3 प्रोबेबिलिटी है कि हम नई स्कीम लेकर आएंगे, कुछ भी, ठीक है। अच्छा कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस बाय द सेकेंड ग्रुप, सेकेंड ग्रुप न्यू इंट्रोड्यूस बाय द सेकेंड, मतलब गिवन क्या है कि न्यू प्रोडक्ट तो इंट्रोड्यूस होगा ही, क्योंकि जब वो क्या बोल रहे हैं कोई ना कोई जीतेगा, न्यू प्रोडक्ट तो इंट्रोड्यूस होगा ही होगा, ये हिडन था इसमें। बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर इसमें गिवन तो कुछ है ही नहीं ना, उन्होंने पहले क्या दिया कि ये जीतेगा तो भी आएगा, ये जीतेगा तो भी, और इन दोनों में इसको एक ना एक तो जीतेगा, तो अंडरस्टूड है कि कोई ना कोई स्कीम तो लॉन्च होगी, पक्की बात है ना। तो यहां पे क्या लिखे, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च या इंट्रोड्यूस, जो भी कुछ है, इवन मतलब मैंने कहा ग्रुप वन विंस तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.6, ई टू चलो यहां लिख दें कोई दिक्कत नहीं, ग्रुप टू विंस इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0। अब क्या बोल रहे हैं कि नया आइटम लॉन्च होगा, नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा भाई सेकंड ग्रुप, मतलब हमको पहले से ही पता है कि कोई न्यू प्रोडक्ट तो लॉन्च होगा, लेकिन किससे हो वो, ग्रुप सेकंड मतलब E2 से, तो यार क्या हमसे ये नहीं पूछा है यार, सिंपल सा है भाई, तो E2 AY E2, बात समझ आ रही है ना आप लोगों को, चलिए अब देखो E2 मतलब सेकंड ग्रुप जीत गया, और फिर नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा मतलब 0.3, और टोटल नीचे लिख दो कि फर्स्ट ग्रुप जीत गया तो नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा 0.7, डू योर सेल्फ कैलकुलेशन, खुद से करो कैलकुलेशन की उम्मीद मत करना मुझसे, नमस्कार, आजा जल्दी आजा, मोस्ट प्लीज, यस प्लीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाई, लड़की ने एक डाई फेंकी, पक्की बात है यार कि अगर एक डाई फेंकी है तो अंडरस्टूड है, जितना क्वेश्चन बोले तुरंत जितनी इंफॉर्मेशन है लिख लो, पक्की बात है 1 2 3 4 5 6 ही आएगा। कह रहे हैं इफ सी गेट्स 5 और 6, अब सुनो ध्यान से, मलोता देख इधर, अगर कह रहे हैं कि भैया या तो 5 आया या फिर 6 आया, तभी उस लड़की ने 3 कॉइंस और फेंक दिए,
एक्सपेरिमेंट सुनो, उसके पास उसके हाथ में डाई है, उसने डाई को रोल किया, जैसे ही 5 और 6 आया उसके बाद 3 कॉइन वो लेकर आई, उसने उछाल दिए। तो अगर 3 कॉइन आए हैं तो पक्की बात है टोटल आउटकम 8 होंगे। क्या क्या होंगे वो मैं लिख लेता हूँ। तीन उछाल है यार, ठीक है, टोटल आउटकम यही तो हो गए। जैसे ही 5 और 6 आया उसने लिया और उछाल दिए 3 कॉइन, ठीक है। अगर कैरी 1 2 3 4 5 आए, 1 2 3 4, तो उसने क्या किया है, एक कॉइन उछाला है, तो पक्की बात है हेड आएगा या फिर टेल आएगा। चलिए अच्छा बस अब सुनो ध्यान से, फिर कह रही है एंड नोटिस वेदर अ हेड और टेल इज ऑप्टेड, ठीक है, जो भी आ रहा है उसको लिख रही है कि इसमें इतने हेड आ गए, इसमें इतने टेल आ गए। जैसे 5 और 6 आया उसने डाई थ्रू गया, अब क्या पता ये वाला आ गया, उसने अपनी कॉपी पे लिख लिया 3 हेड आ गए। इस तरीके से वो एक्सपेरिमेंट कर रही, खाली बैठी लॉकडाउन क्या करे, तो ये अपना आराम से टाइम फोड़ रही है। कह रहे इफ सी ऑप्टेंड एग्जैक्टली 1 हेड, इफ सी ऑप्टेंड एग्जैक्टली 1 हेड, मतलब हमको पहले से पता लग गया क्या है, एग्जैक्टली 1 हेड आया है, दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रू 1 2 3 और 5 विद द डाई। अब सुनो जरा, अब इवेंट कैसे बनेंगे सुनो ध्यान से, मुझे भी नहीं पता कैसे बनेंगे। हमने ये देखा कि क्या जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, भाई से हमने लिया, कह रहे हैं कि पक्की बात है कि एक हेड आया है, फिर क्या प्रोबेबिलिटी को इस वाले का, मतलब 1 2 3 4 वाले का, तो इवन में हम ले लेंगे 1 2 3 और 5, इसमें ले लेंगे 5 और 6, दो ही तो इवेंट हो रहे हैं, या तो ये होगा तो ये, या ये फिर ये। तो जब इसने थ्रो किया तो 1 2 3 वालों एक में ले लिया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4/6, क्योंकि एक डाई को थ्रो किया है, 1 2 3 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/6, तो कितना हो गया ये 2/3, और 5 और 6 मतलब 2 है, तो 2/6 मतलब 1/3। अब वो पहले से कह रहे हैं कि एग्जैक्टली 1 हेड आया हो, क्योंकि देखो सुनो ध्यान से, 1 हेड इसमें भी है, 1 हेड यहां पर भी आ रहा है, तो एग्जैक्टली 1 हेड आया हो। फिर वो कह रहे हैं कि वो 1 2 3 4 वाले का, मतलब किसका, वो इवन का, नहीं चमका, नहीं चमका मन्नू मल्होत्रा चमका, ठीक है जी। अब ऐसा मत सोचना कि आप 1 को अलग इवेंट ले लो, 2 को अलग, 3 को 6 इवेंट, वैसे भी लोगों का आंसर सेम आएगा, क्योंकि ये है तो एक ही बल्क में है ना, ये बल्क में है, 1 2 3 4 एक ग्रुप है, 5 और 6 एक ग्रुप है, नहीं यारी बात समझ में, तो इवन टू ले लिया। बस यार अब तो रटा हुआ है, प्रैक्टिस से हम लोग इतना कर लिया कि हाथ रुकेंगे नहीं, रोकने पड़ेंगे, धड़ाधड़ भागेंगे हाथ, कोई रोकने मत आ जाना। बात समझ आ रही आशिका? अब चलो देखो उपासना, पी इवन, इवन बोले तो 2/3, अब सुनो इवन हो चुका है, मतलब हमको पहले से ही पता है कि ये इवेंट हो चुका है, फिर एक हेड आया तो एक ही तो आएगा 1/2, अरे यार दो ही तो आ सकते हैं, चलो इसको तो फिर से ऐसे ही लिख दो। अब इसको देखते मन्नू, E2 1/3, हमको पता है कि E2 वाला हो चुका है इवेंट, मतलब E2 वाला ये इवेंट हो चुका है, फिर एग्जैक्टली 1 हेड आया हो, तो देखो एग्जैक्टली 1 हेड कितने हैं, 1 2 और 3, कितने हैं 3 ही तो एग्जैक्टली 1 है, तो टोटल 8 होंगे, तो 3/8, चमका प्रीति सिंह चमका, ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट इसमें होना चाहिए, कोई है तो आप बताइए कि सर ये डाउट हुआ, बस इसमें 1 2 3 4 को एक अलग इवेंट लेंगे, 5 क्योंकि एक साथ आ रहे हैं, 5 और 6 अलग इवेंट लेंगे, क्लियर है, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, बढ़ूँगा आगे मैं। अरे देख यार क्वेश्चन नंबर 11 यार, बच्चों वाला क्वेश्चन है 11, कई बार ऐसे गया। अब मैन्युफैक्चर हैज 3 मशीन ऑपरेटर ए एंड बी एंड सी, अरे यार ये ए है ये बी है ये सी है, देखो बात नहीं करो, ये कह रहे हैं प्रोड्यूस, ये भैया 1% डिफेक्टिव आइटम कर रहा है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होगा, ये कितना कर रहा है बी और सी 5%, और ये कर रहा है भैया 7%, ठीक है जी। तो ए इज ऑन द जॉब, ए से टोटल आइटम बनने 50%, बी से कितने बन रहे हैं 30%, और अंडर स्टडी 20% ही बना रहा होगा, फिर एक आइटम डिफेक्ट आया, कह रहे बताओ वो मशीन ए का है। यार मान लो E1 जो है वो मशीन ए का है, E2 है वो मशीन बी प्रोड्यूस कर रही है, और ये सी, अब
ये ए क्या है, डिफेक्टिव निकल के आ गया भैया, हमको पहले से ही पता है कि वो डिफेक्टिव आ गया, फिर वो किसका हो, मशीन ए का हो। भैया अब ये कर दो, पी इवन कितना 50% बोले तो 0.5, अब पता लग गया मशीन ए है फिर डिफेक्ट है तो 0.01 क्योंकि 1% है, ऐसी टोटल करते जाओ यार बस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तांस पे पत्ते वाला भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ अरे पत्ती, वो वाली पत्ती नहीं जो तुम सट्टा लगाते, दूसरी पत्ती है, हाँ चाय वाली पत्ती भी नहीं डियर। करो पता मजा लग गया, अच्छा क्वेश्चन है, चलो उससे करते हैं, लगा लगा पांच क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं यार, देखते हैं थोड़ा पत्ते खेलते आ जाए। कह रहे हैं कि अ कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस, एक कार्ड लॉस हो गया, एक कार्ड गुम हो गया है। अब सुनो हमारे पास, सुनो प्लीज बात नहीं करेंगे, आप बात नहीं करेंगे, टोटल कार्ड कितने होते हैं, एक कार्ड गुम हो गया, चोरी हो गया, पक्की बात है 51 बचे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, अब जितने कार्ड बचे मतलब 51 कार्ड बचे हैं, टू कार्ड्स आर ड्रॉन, दो कार्ड्स निकाले गए हैं, बात समझ आ रही है, पक्की बात है, ठीक है। आर फाउंड टू बोथ डायमंड, जो अब दो कार्ड निकाले गए हैं वो दोनों कार्ड क्या हैं, डायमंड है, मतलब ये क्या है, गिवन कंडीशन हो गई, बोथ आर डायमंड। और डायमंड की ही बात हो रही है तो मैं क्लियर कर दूं आपको कि 52 में से 13 डायमंड होते हैं, पता होना चाहिए आपको, नहीं आ रही बात समझ में, हार्ट क्लब ये सब आपको पता होना, पत्ते तो खेलते हो आप लोग, ठीक है। चलिए अच्छा अब प्लीज बात नहीं करें, बोथ आर डायमंड, प्लीज प्लीज प्लीज। अब देखो यहाँ पे दो कार्ड निकाले गए यार, इन्होंने ये तो बोला ही नहीं एक एक करके निकाल लें या एक साथ निकाल लें या रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, जब कुछ नहीं बोला जाए तो साइमल्टेनियसली समझ लिया करो कि दोनों कार्ड एक साथ निकाले गए हैं, ठीक है डियर, और विदाउट रिप्लेसमेंट, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट होता तो ये क्वेश्चन बन जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट का, यस और नो, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें आपको आनी चाहिए। अब मुझे समस्या इसमें पर्सनली ये फील हुई कि यार इवेंट कैसे बनाएंगे, इवेंट बनाने के लिए मैंने वही वाला आपसे कहा कि जो पूछा है उसी को इवेंट बना दो। कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, कहां चला गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, क्या बोला गया, सुनो ध्यान से, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड या बीइंग डायमंड, तो एक तो पता लग गया, दूसरी प्रोबेबिलिटी ये होगी ना कि लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड, यस और नो, बन गई प्रोबेबिलिटी यार, बन तो गई, बात समझ आई ना, हमको भी नहीं पता इवेंट कैसे हम लोग बनाते, एंड में देखो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी उसको इवन ले लो, फिर उसका उल्टा E2 ले लो, क्लियर है जी। अब क्या पूछा गया है, हमको पहले से ही पता है जो दो कार्ड हमने निकाले वो क्या है, डायमंड है दोनों, फिर कह रहा है कि वो कब के हो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, मतलब E1, चमका चमका या फिर नहीं चमका, ठीक है जी। तो बस अगली लाइन में आंसर दो कैसे आएगा, कंसेप्ट वही है, क्वेश्चन कितना भी घुमा कर देना, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है किसी भी बुक का क्वेश्चन ले लो, बहुत प्यार से हो जाएगा। चलिए अब देखो लॉजिक, पी इवन, अब सुनना ध्यान से जरा, एक चीज और क्लियर कर दूं आपके सिंपलसिटी के लिए, लॉस्ट को अगर कंफ्यूजन हो रही तो लॉस्ट को आप यह भी समझ सकते हैं ड्रॉ, हमने एक कार्ड खो गया या एक कार्ड निकाल लिया, एक ही तो बात है, समझो ना, इसको मैं इसलिए बता रहा हूं आपको समझाना कि लॉस्ट को लेके हो सकता है थोड़ी सी कंफ्यूजन दिमाग में आ रही है, लॉस्ट का कैसे निकालेंगे, तो ये समझो कि एक कार्ड निकाला है और वो डायमंड है, तो पी इवन क्या होगा, क्या 13/52 नहीं होगा, 1/4 नहीं होगा, एक कार्ड निकाला, लॉस्ट का मतलब है ड्रॉन, मतलब एक कार्ड निकाला और वो डायमंड है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 हो गई, ठीक है डियर। E2 क्या हो गया, अंडरस्टूड है कि 3/4 होगी, 1 से माइनस कर देंगे, यस और नो, चलिए तो P1 कितना है, 1/4। अब सुनो ध्यान से, हमको पहले से ही पता है कि जो कार्ड खोया है वो क्या है, डायमंड है, यस और नो, E1 का मतलब क्या हुआ, हमको पता है कि जो कार्ड खोया है वो डायमंड है। अब सुनो, अब इसमें टोटल कितने कार्ड बचे, 51, और डायमंड कितने बचे, 12, यस और नो, फिर हमने वो, अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, मतलब जो दो कार्ड निकाले हैं वो दोनों डायमंड हों, बात समझ आ रही है, तो सुनो सुनो बहुत ध्यान से समझेंगे, अब एक कार्ड निकाला वो डायमंड है तो 12/51, फिर एक कार्ड निकाला वो डायमंड है 11/50, बात समझ आई नहीं आई, वेरी गुड। अब यार टोटल कार्ड 51 है, डायमंड 12 बचे, क्योंकि एक कार्ड तो लॉस हो गया हमारा, ठीक है। अब मैंने एक कार्ड निकाला वो डायमंड ही चाहिए, क्योंकि क्या कह रहे हैं, बोथ आर डायमंड, तो अब डायमंड कितने, 12, टोटल कार्ड कितने, अब एक डायमंड निकल गया कितने बचे, 11, यहां कितने बचे,
इलेवन अपॉन फिफ्टी। या अगर ऐसे डाउट है तो इनको हटाओ, कोई दिक्कत नहीं, एक और तरीका हमारे पास है, दो कार्ड निकालें, दोनों डायमंड होने चाहिए, ठीक है सर। इक्यावन में से डायमंड कितने, 12, तो 12C2 अपॉन 51C2, ऐसे कर लो 11 क्लास की तरह, क्योंकि साइमल्टेनियस में ये वाला फॉर्मूला लगता है, आएगा वही जो अभी हम लोगों ने लिखा था। बात समझ आई, पक्की बात है, ठीक है। इसको तो ऐसे ही लिख देंगे 12C2 अपॉन 51C2 प्लस PE2 3/4, मतलब हमको अब E2 पता है, मतलब जो कार्ड खोया है वो डायमंड नहीं है, मतलब कार्ड 51 है लेकिन डायमंड 13 ही रहेंगे। बात समझ आ रही ना, जो कार्ड खोया वो डायमंड नहीं है, तो डायमंड तो अब 13 ही रहेंगे। अब हमने दो कार्ड निकाले वो दोनों डायमंड हो, तो डायमंड है 30C2, टोटल कार्ड कितने आ गया, ये आंसर हमारा। डू योर सेल्फ कैलकुलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर है। प्लीज़ आप लोग डाउट बताओ यार कि सर ये बात बन नहीं रही, थोड़ी यहाँ पे आगे थोड़ा लगा कि क्या है, तो पूछो प्लीज़, डाउट लेके नहीं जाएंगे एक भी, कई सारे मेथड इनको सॉल्व करने के। यस बताओ बेटा, देख तो रहे खूब घूर घूर के, कोई डाउट है तो बताओ, क्या डाउट है, पक्का कंसेप्ट के लिए ये आपको समझ में आना चाहिए। इवन E2 हम लोग कैसे बनाते हैं, जो पूछा गया उसको इवन ले लो, उसको दूसरा E2 ले लो, क्लियर है, क्लियर है। अब देखो दो क्वेश्चन बचे हैं, 13 और 14, पहला तो हम सॉरी 13 क्वेश्चन तो कर चुके हैं। ऐसा कह रहे हैं द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रुथ इज 4/4, मतलब एक बंदा है जो ट्रुथ बोल रहा है, ट्रुथ बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/5, तो पक्की बात है कि झूठ बोल रहा है कि कितनी होगी 1/5, क्लियर है, ठीक है। एंड रिपोर्ट दैट एंड कॉइन अ टॉस, एक कॉइन को टॉस किया तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, उसने रिपोर्ट किया कि हेड आया, पढ़ चुके हैं ऐसा ही क्वेश्चन। रिपोर्ट क्या है, हेड है, हमको पहले से ही पता है कि उसने रिपोर्ट तो कह रहे हैं कि एक्चुअल में हेड आया हो, मतलब वो सही बोल रहा हो, ट्रुथ बोल रहा हो, तो बस यार अब काम कर दो। चलिए अब देखते हैं कैसे होगा। इवन की प्रोबेबिलिटी 4/5, अब सुनो जरा, इवन हो चुका है मतलब बंदा सच बोल रहा है, फिर हेड आया 1/2, यस और नो, ठीक है, इसको ऐसे लिख दो। अब E2 1/5 है, अब E2 हो चुका है मतलब बंदा झूठ बोल रहा है, फिर हेड आया हो तो भी 1/2, पूछो क्यों, क्यों टेल बोल रहा है ना, फिर वो आया हेड है, बोला है टेल आया है, तो टेल आने की भी तो 1/2 होती है भैया, यस और नो। अब यार इसे हटाओ जल्दी से, लास्ट जो है वो बच्चे लोग को थोड़ा टफ लगता है, उसको बहुत ही देसी तरीके से सॉल्व करेंगे उसको। चलिए लास्ट ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव को मैंने पढ़ लिया, आप लोगों ने भी पढ़ लिया होगा। एक चीज बता दूं जरा इसको, क्वेश्चन को बताने से पहले एक छोटा कंसेप्ट आपको आना चाहिए। मैंने कहा कि अगर ऊपर नंबर सेम है, कुछ भी सेम है, ध्यान दो ऊपर नंबर पर कुछ मान लो, इधर भी 4 है इधर भी 4 है, ठीक है, लेकिन इधर का नंबर और इधर का नंबर, इधर का नंबर बड़ा लिया मैंने और इधर छोटा लिया, तो साइन ये वाला आएगा। मतलब क्या, मैंने कहा इधर मैंने ले लिया मान लो 3, इधर ले लिया 2, तो साइन तो यही आएगा, मतलब इधर जितना नंबर बड़ा होगा वो इतना ही इस तरफ वाला बड़ा होगा, क्यों, ज्यादा का डिवाइड करेंगे तो उसका अंदर कम होता जाएगा ना, और छोटे से डिवाइड, ये बात आ गई समझ, पक्की बात है। बस इसका ही खेल है इसको पूरे क्वेश्चन में, देसी तरीके से किया इसलिए पहले ये चीज बता दी। क्या कह रहे हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो ये बताइए। चलो अब आप देख रहे होंगे सबसे बड़ी समस्या ये आती है, सर कहाँ से स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें कुछ दिया ही नहीं है, केवल ये बोला गया कि ए इज द सबसेट ऑफ ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। तो आप देख रहे होंगे हर किसी में ए बाई बी फाइंड करना है, तो हम भी ए बाई बी ही फाइंड करेंगे, यस और नो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अपॉन पी बी। अच्छा ए और बी, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो ए इंटरसेक्शन को क्या पी ए नहीं लिखेंगे फिर, हाँ। चलो नहीं आया सब, देखते हैं। ए के सारे एलिमेंट बी में, ए मान लो 1, 2 है, और समझाने के लिए बी है 1, 2, 3, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या, ए नहीं आ जाएगा, यस और नो, क्यों इनमें कॉमन क्या, 1 और 2 ही तो कॉमन है, और यार 1 और 2 ए ही तो है, बात समझ आ रही है। चलिए जी, अच्छा तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास ये आ गया,
ये आ गया, लेकिन ऐसा तो कहीं दिख नहीं रहा है। यहाँ पी वी वाई ये है तो ये भी नहीं हो सकता, पक्की बात है, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ तो हमने कुछ गलत भी नहीं किया। अब जो मैंने देसी तरीका इधर जो समझा था उसका खेल देखो, अब जरा बात समझ लेना जरा ध्यान से। अब मैं एक लॉजिक लिखने जा रहा हूँ, आपको बताना ये बात समझ आई या फिर नहीं है। आपको समझा ऐस मान लो कि सैम्पल स्पेस है 1 2 3 4, ऐसे समझाने के लिए ए ले लिया 1 और 2 और बी ले लिया 1 2 3, मान लो इस तरीके से ले लिया, ठीक है। चलिए अब मैं एक चीज़ लिखने जा रहा हूँ, ये बताओ आप जरा, मैंने ये लिख दिया बिना सोचे समझे, मुझे पता नहीं समझ आएगा। अब मैं समझाऊंगा मैंने क्या क्या लिखना चाहा। मैंने अभी जो केस बताया था आपको कि अगर इधर भी 2 है इधर भी 2 है, इधर का नंबर बड़ा है इधर का छोटा है, तो ये बड़ा होता है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से जरा, ध्यान से, पीए बराबर है। अच्छा एस क्या होता है, सैंपल स्पेस, और ये बी कोई ए और बी क्या है, इवेंट है, ये किसके, इस सैंपल स्पेस से, तो पक्की बात है कि एस तो हमेशा बड़ा ही होगा। समझो यार बात को समझो, एस सैंपल स्पेस है, आप जितने भी इवेंट बनाओगे तो हमेशा इससे कमी आएंगे, मतलब बी और एस में एस एस बड़ा ही तो होगा, एस बड़ा होगा, नीचे वाला बड़ा है तो ये वाला क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन उसमें इक्वल टू का भी साइन है। लेकिन कुछ केस में ऐसा भी तो हो सकता है, मैंने कहा कि बी हो सकता है उस पूरे के बराबर भी हो, मतलब कोई भी जो इवेंट है, कोई भी जो इवेंट है वो या तो एस के बराबर होगा या फिर एस से छोटा होगा, बड़ा तो हो नहीं सकता। बात समझ आ रही है? अगर ये बात नहीं समझ, फिर से मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। मैंने क्या आपसे कहा कि भाई मैंने एक, सुनो मैंने क्या किया, मैंने कहा मैंने एक एक डाई को थ्रो किया तो सैंपल स्पेस हो गए 1 2 3 4 5 6, एक इवेंट मैंने बताया कि उन दोनों के ऊपर इवन आ जाए, तो आप कहेंगे सर 2 और 4 और 6, यस और नो? मैंने कहा यार एक ऐसा इवेंट बनाओ, मैंने आपसे कहा कि एक मैंने डाई फेंका उसके ऊपर इवन भी आ जाए ऑड भी आ जाए, तो आंसर क्या होगा 1 2 3 4 5 6, यस और नो? तो कहने का मतलब है जो इवेंट जो होते हैं या तो सैंपल स्पेस के बराबर होंगे या फिर छोटे होंगे, कभी इससे ज्यादा तो हो नहीं सकते। आप कोई सा भी एक इवेंट ऐसा नहीं क्रिएट कर सकते कि जिसके अंदर एलिमेंट इससे ज्यादा आ जाए, यस और नो? तो यार जो बी है हमारा या तो एस के बराबर होगा, सही बात है ना, तो बराबर का साइन, या हमेशा एस बड़ा होगा, तो जब एस बड़ा होगा तो ये क्या होगा, ये वाला बड़ा हो जाएगा। बात समझ आई या फिर नहीं आई समझ में? चलिए पी ए वाई पी बी को तो ये लिख सकते हैं, देखो भैया ठीक है। अब पी ए वाई एस को क्या लिखते हैं, तो देखो ए जो चाहिए वो ऊपर और टोटल वाला नीचे रहता है, तो उसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही तो लिखेंगे। पूछो कैसे, पूछो कैसे, जैसे हम लोगों ने यही पढ़ा है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, टोटल में तो एस आ जाएंगे ना पूरे के पूरे, और जिसका चाहिए उसको ऊपर लिखते हैं, ए का चाहिए तो ए को ऊपर लिख दिया, तो इसका मतलब भैया थर्ड ऑप्शन हमारा एकदम ठीक है। बात समझ आई, लॉजिक क्लियर हुआ, कोई भी डाउट है कि सर ये क्लियर हुआ कि सर इसको हमने ये कैसे लिख दिया, तो सुनो सुनो ध्यान से जरा। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ एस कोई इवेंट है 1 2 3 4 5 6, मैंने आपसे कहा पी इवन फाइंड करो, तो क्या करते थे, पी इवन और टोटल जो होता था एस उसी से तो डिवाइड करते थे। फेवरेबल आउटकम हम चाहते हैं इसको, टोटल क्या होता वो नीचे आता था। किसी किसी बुक में यहाँ पे एन एन लिखा मिल जाएगा सॉल्यूशन में, तो एन और इससे कन्फ्यूज मत होना, ये नंबर को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो हमको तो क्या केवल ऑब्जेक्टिव है, तो हम उस देसी तरीके से मैंने समझाया आपको। क्या यार कोई डाउट हुआ तो बताओ कि सर हाँ ये डाउट हुआ इसमें, बात समझ नहीं आई? मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा इसमें, पक्की बात है ना, आंसर चेक कर लो इसका, यही होगा। चलो ठीक है, ख़त्म।